हम लोग अभी जानने लगे हैं 23 मई का परिणाम 20 मई को। और पहला हमारा प्रश्न ये है कि क्या 23 मई के परिणाम में आने के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी? और इस प्रश्न के ऊपर शोभना जी और वर्षा जी रमल के डाइसेक्ट जो आपके सामने उनको स्प्रेड करेंगे, फेंकेंगे और उसके बाद उस पर कुंडली बनाएंगी और फिर परिणाम हमारे सामने आएगा कि क्या 23 मई 2019 के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। जी थैंक यू। रमन द्वारा पासे फेंकने के बाद एक विशेष प्रक्रिया रहती है जिसकी गणना से हम लोग कुंडली बनाते हैं और रमल की कुंडली में 16 घर होते हैं। जनरली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम जाते हैं तो 12 घरों की कुंडली बनती है, लेकिन रमल जिसको कि अरेबिक एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, रमल की एस्ट्रोलॉजी में 16 घर की कुंडली बनती है जिसको आपके सामने आप देख रहे हैं बनाया जा रहा है। और इसी के बाद हम लोग जब ये कुंडली बन जाएगी पूरी, इसके बाद हम इसका परिणाम जानेंगे कि कुंडली क्या कहती है। एस्ट्रोलॉजी में जो विजय का भाव वो सप्तम भाव से देखा जाता है। खारिज बुतुल खारिज लिखो वहां पे, लिख लो वहां पे, लिख लिया लिख लिया। हाँ जी ओके। अति अशुभ अति अशुभ।
समस्तृतुम दाक्य अतिशु दाक्य तुम दाखिल आया सर इस बात में मैं वही तुम्हारा चक्की है सर कोई बात नहीं लाइन लाइन जीरो जीरो ओके चलिए दो जो दोनों ने हमारे सामने सवाल किया दोनों का आंसर जो है वो अलग अलग है और अब हम इसको दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे चलिए नेक्स्ट अभी एक बार और इसी पर आप प्रश्न करेंगे कि कितनी सीटें थी पिछले 44 तो